हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लैंड नॉलेज में। दोस्तों, हम आज बात करेंगे पटवारी के बारे में कि पटवारी कौन होता है, पटवारी का कार्य क्या होता है और आप पटवारी कैसे लग सकते हैं, उसके लिए क्या वेतन है, पटवारी बनने के लिए क्या करें, शैक्षणिक योग्यता, वेतन आदि की जानकारी इस पूरी वीडियो में आपको प्राप्त होगी। दोस्तों, इस वीडियो को ज्ञान के लिए भी आप देख सकते हैं और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। और पटवारी क्या होता है और इसके लिए क्या कार्य होते हैं, इसके लिए आपको पूरी वीडियो देखना ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, वीडियो को चालू करते हैं। पटवारी क्या होता है और कौन होता है? पटवारी पद का ऐसा पद है जो कि ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में पदस्थ होकर अपने क्षेत्र का पूरा अभिलेख रखता है, जैसे खेती किसानी, जमीन नक्शे, जमीन की खरीद बिक्री, जमीन का हस्तांतरण, आय जाति प्रमाण पत्र, राजस्व अभिलेख आदि कई कार्य करते हैं जो पटवारी करता है। बचपन में शायद दोस्तों आपने सुना भी होगा, कोई अगर आपने कोई आय जाति प्रमाण पत्र बनाया है तो खूब भागा दौड़ी करी होगी पटवारी के पीछे, ये वही पटवारी है। दोस्तों, यह एक राज्य का सरकारी कर्मचारी होता है जो उपरोक्त अभिलेखों के अलावा राज्य सरकार के विभिन्न कार्यों में अपना सहयोग देता है। इसका मुख्य कार्य राजस्व से संबंधित होता है। अलग अलग क्षेत्रों में पटवारी को अलग अलग नामों से जाना जाता है। मध्य प्रदेश में पटवारी तो उत्तराखंड में राजस्व पुलिस तो कहीं किसी और नाम से जाना जाता है, किंतु इनके कार्य लगभग हर जगह एक समान ही होते हैं। दोस्तों, कई राज्यों में पटवारी को भी अलग अलग डिफाइन किया गया है, जैसे राजस्व पटवारी, लैंड एक्विजिशन पटवारी और कैनाल पटवारी। पटवारी के क्या कार्य होते हैं? दोस्तों, राज्य सरकार के राजस्व एवं अभिलेखों जैसे महत्वपूर्ण कार्य के अलावा पटवारी के अन्य कई कार्य होते हैं जो निम्न हैं: जमीन के नक्शे का रिकॉर्ड रखना, किसी विवाद की स्थिति में जमीन का सही माप तौल करना, खेती या रहवासी जमीन का ब्यौरा रखना, रहवासी का मतलब आबादी थे जहाँ मकान वगैरह बने हुए हैं, आय जाति के प्रमाण पत्र बनाना, जमीन नामांतरण व हस्तांतरण करवाने में मदद करना, जमीन की खरीदी बिक्री का अभिलेख तैयार करना, किसी भी आपदा की स्थिति में सरकार को अवगत कराना, फसल बीमा आदि के दावे स्वीकृत कराने में मदद करना, अपने क्षेत्र की जानकारी सरकार तक भेजना। दोस्तों, पटवारी के लिए शैक्षणिक योग्यता क्या चाहिए? दोस्तों, अलग अलग राज्यों में इसके लिए अलग अलग शैक्षणिक योग्यता मांगी जाती है। कहीं पर प्लस टू मांगी जाती है, कहीं पर कंप्यूटर डिप्लोमा की ज़रूरत होती है, तो कहीं पर ग्रेजुएशन और एक साल का कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा जाता है। आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कंप्यूटर डिप्लोमा यह सरकारी होता है। पटवारी की परीक्षा देने के लिए जो कि किसी सरकारी UGC द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से किया होना चाहिए, जैसे DCA, PGDCA या सक्षम। इसके अलावा यदि आपने BCA, BSc कंप्यूटर साइंस या BE किया है तो आपको अलग से कोई डिप्लोमा की आवश्यकता नहीं होती। दोस्तों, पटवारी का वेतन कितना होता है? दोस्तों, वैसे तो हर एक राज्य का पटवारी का वेतन अलग अलग होता है, लेकिन एक कॉमन अगर हम बात करें तो शुरुआती में जो बेसिक भत्ते जो होते हैं पटवारी के, वो 15,000 बेसिक सैलरी होती है। उसके ऊपर हर राज्य के अलग अलग मुताबिक अलग अलग सैलरियां निर्धारित होती हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स करना ना भूलें। और इससे आगे दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इसके इतिहास के बारे में। पटवारी प्रणाली की शुरुआत सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के शासनकाल के दौरान हुई और बाद में अकबर ने इस प्रणाली को बढ़ावा दिया। बरतानी शासनकाल के दौरान इसमें मामूली परिवर्तन हुए, लेकिन प्रणाली जारी रही। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि पटवारी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कई जगह इसे कारनाम अधिकारी के नाम से जाना जाता है, कई जगह से इसे सानबुगोरू के नाम से जाना जाता है, ये देख सकते हैं आप।
और कई जगह इसे लेखपाल के नाम से जाना जाता है, जैसे उत्तर प्रदेश में लेखपाल के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में और पंजाब में पटवारी के नाम से विख्यात है, और अधिकतर जगहों पे इसे पटवारी के नाम से ही जाना जाता है। दोस्तों आगे चलते हैं। तो दोस्तों 1918 में सभी गांवों में सरकार प्रतिनिधि के रूप में लेखपाल की नियुक्ति की गई। राजा टोडरमल, जो अफगान बादशाह शेरशाह सूरी के दरबार में भू अभिलेख का मंत्री था, के द्वारा जमीन संबंधी कार्यों के संपादन के लिए पटवारी पद की स्थापना की गई थी। पटवारी शासन के एवं निजी भूमि के कागजात को संधारित करता है। ब्रिटिश राज्य में इसे सुदृढ़ कर दिए जारी रखा गया। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर भारत और पड़ोसी देश पाकिस्तान में पटवारी शब्द प्रचलित है। गुजरात, महाराष्ट्र में 1918 तक इसे कुलकर्णी कहा जाता था, इसे खत्म कर तलाटी कहा जाने लगा। तमिलनाडु में पटवारी को कर्णम या अधिकारी कहा जाता है। गांव में गरीब किसान के लिए पटवारी ही बड़ा साहब होता है। पंजाब में पटवारी को पिंड दी माँ यानी गांव की माँ भी कहा जाता है। राजस्थान में पहले पटवारी को हकीम साहब कहा जाता था। पटवारी के बारे में कोई केंद्रीकृत आंकड़ा नहीं है। राजस्थान में लगभग 12,000 पटवारी पद हैं, तो मध्य प्रदेश में 11,622, हरियाणा में इसका आंकड़ा नहीं है, छत्तीसगढ़ में 3,500, उत्तर प्रदेश में पटवारी के पद को चौधरी चरण सिंह के जमाने में ही समाप्त कर दिया गया था और उन्हें लेखपाल के नाम से जाने जाना लगा, जिनकी संख्या 27,333 है। उत्तराखंड में इन्हें राजस्व पुलिस कहा जाता है और राज्य में 65% हिस्से में अपराध नियंत्रण, राजस्व संबंधी कार्यों के साथ ही वन संपदा की हकदारी का काम भी पटवारी ही संभाल करते हैं। हालांकि तकनीकी युग में अब पटवारी व्यवस्था का दुरुस्त किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 2005 में पटवारी इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी PATIS नामक सॉफ्टवेयर विकसित किया गया, ताकि जमीन कार्य कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड रखा जा सके। मध्य प्रदेश के भू अभिलेख आयुक्त राजीव रंजन कहते हैं, राज्य में जमीन के रिकॉर्ड का कंप्यूटरीकरण जारी है, जल्दी ही ये सारे रिकॉर्ड कंप्यूटर के लैप पटवारी के लैपटॉप में उपलब्ध होंगे। मध्य प्रदेश में CLRM, VR4B2 और भू नक्शा सॉफ्टवेयर के माध्यम से किसानों को सारे खसरे, खतौनी और नक्शा की नकल प्रदान की जा रही है, जो मध्य प्रदेश के लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रदान की जा जाती है। पटवारी ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कई जगह एसोसिएशन भी बनाए हुए हैं। पटवारी किसान का प्रथम प्रशासनिक प्रतिनिधि है, जो किसानों की समस्या को शासन व प्रशासन तक तथा शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचाता है। दोस्तों अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।